कृतम द्वैपायन विरहता तर आयु भाव पुत्रीति तन्मय दया तर्भोहिनीरु स्तम सर्वभूत हृदय मुनिवायन तुस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदिरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे और एक बार जोर करिए बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद श्रोतर सत श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करना। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद श्रोतर सत श्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग का बहुत बढ़िया दिन है। हम सबके साथ श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। हमारे बड़े गुरु जी कहा करते थे, जगत में ऐसे कुछ काम है अगर हमारे पास में पैसा की बल हो जो काम को हम कर सकते हैं। जगत में ऐसे कुछ काम है अगर हमारे पास में जन बल हो, लोग हमें मदद करने वाले हो, जो काम को हम कर सकते हैं। जगत में ऐसे कुछ काम है भले ही हमारे पास में कुछ भी नहीं हो, अगर मन का बल हो जो काम को हम कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो बड़ा बल है ये आत्मा बल है। जगत में ऐसे कुछ काम है हमारे पास में अगर आत्मा की बल हो जो काम को हम कर सकते हैं। लेकिन गुरु जी कहते थे, आज जो ये श्रीमद् भागवत कथा हो रही है ये न तो कोई पैसा की बल पर कर सकता है, न तो कोई जन बल पर कर सकता है, न तो कोई बुद्धि के बल पर कर सकता है, न तो कोई मन की बल पर कर सकता है, न तो कोई आत्मा की बल पर कर सकता है। जब तक श्री बांके बिहारी जी की श्री गुरु जी की कृपा बल नहीं हो कभी ये भागवत कथा कोई रख भी नहीं सकते, कोई सुन भी नहीं सकते। इसलिए मानो आज हमारी करोड़ों करोड़ों जन्म की ये पुण्य का बल है आज जो ये श्रीमद् भागवत कथा हम लोग ये श्रवण कर रहे हैं। एक बार जय कर दो, बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की। इसलिए ये बात श्री शंकर जी पार्वती को भी कहते हैं, बोले पार्वती जगत में सब चीज सुलभ है लेकिन ये श्रीमद् भागवत कथा दुर्लभ है। इसलिए श्री शंकर जी कहते हैं, बोले सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ सतसारा।
आरती के कहते पार्वती कि जो श्रीमद् भागवत कथा जो सत्संग है ये जगत में बड़ा दुर्लभ है। माता पार्वती कहती है प्रभु दुर्लभ का, जैसे ये भागवत कथा हो रही है हम लोग तो जगह जगह पर बैनर लगा रहे हैं। आज देखा जब नगर फरी जब कलश यात्रा में घर घर में भी पाम्पलेट दे रहे थे भागवत कथा हो रही है, आप सबके सब भागवत कथा सुनने के लिए आओ, कितना दिन से इसको आयोजन कर रहे हैं। पार्वती कहती है प्रभु दुर्लभ कहा, ये तो सुलभ है, देखो भागवत कथा हो रही कि नहीं। लेकिन शंकर जी कहते पार्वती ये सारे काम तो होएगा लेकिन आप तक यही सरपती कठिनाई बोले राम कृपा बिनु आए न जाए। लेकिन यहाँ सहज में कोई नहीं आएगा बोले आप तक यही सरपती कठिनाई गृह काम अति जंजाला। कहते पार्वती ये कथा में सहज में कोई नहीं आएगा कथा में। इतने में पार्वती फिर प्रश्न करती है बोले प्रभु अरे ये भगवत कथा में भागवत कथा में कौन आते हैं, आप तो कहते हो कि कथा अति दुर्लभ है आप तो यही सर अति कठिनाई। लेकिन यहाँ पर अगर कोई फिल्म स्टार है पता चल यहाँ अमिताभ बच्चन आ रही है ऐश्वर्या राय आ रही है यहाँ पर शाहरुख खान सलमान खान आ रहा है अगर यह पता चलेगा तो बताओ शहर में इसको बोलने का जरूरत होगा यहाँ आने के लिए, आप बताओ यहाँ प्यार रखने की जगह होता है कि नहीं। आप टिकट हजार हजार रुपया टिकट बनाने पर भी तब भी आपको टिकट नहीं मिलता यहाँ आने के लिए देख नहीं। इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती कि जो भगवान की कथा है भागवत कथा है आप यही सर अति कठिनाई। मैया पार्वती फिर प्रश्न करती है बोले प्रभु फिर ये भागवत कथा में कौन आ सकते हैं। शंकर जी कहते हैं बोले अति हरि कृपा जा पर होई जैसे आपके घर में शादी है आप बताओ शादी में कौन आएगा, आप जिसको निमंत्रण दोगे तो वही आएगा ना, भले ही वो अमेरिका में क्यों नहीं हो भले ही वो लंदन में क्यों नहीं हो भले ही वो जर्मनी में क्यों नहीं हो अगर आप नौता दोगे वो उतना दूर से आएगा। लेकिन आपका घर के पास में ना इंची दीवार को पास में कोई व्यक्ति है आपने उसे नौता नहीं दिया बताओ तुम्हारी शादी में आएगा नहीं, वो आएगा वो व्यक्ति नहीं आएगा क्यों आप उसको नौता नहीं दिए हैं। इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती ये भागवत कथा में वही आ सकते हैं जिसको बांके बिहारी ने नौता दिया है, जिसको बांके बिहारी ने निमंत्रण दिया है। अभी तो निमंत्रण देने का जरूरत नहीं बस फोन कर दो भैया हमारे घर में शादी आ जाओ, लगता है बांके बिहारी आपको फोन क्या कर रहे हैं फोन गई कि नहीं आपके पास में। इसलिए यहाँ उदाहरण देकर समझाए जब कृष्ण बंसी बटे को नीचे ठाकुर जी बंसुरी बजाए बताओ ब्रज में कितने लोग नहीं थे, कितने लोग
कितने ब्रज में लोग नहीं थे, बताओ वो रास में कौन आए हैं। बोले भगवान कृष्ण जिन गोपियों को बुलाना चाह रहे थे वो केवल वही लोग वहां पर आए हैं। इसलिए बड़ोद में कितने लोग बताओ, बहुत लोग है ना, लेकिन यहाँ पर तो कृष्ण अपना बंसुरी तो बजाई, लेकिन ये सबकी कान में नहीं पड़ी। किसको कान में पड़ी है? आप लोगों को कान में पड़ी है, क्योंकि ठाकुर जी आपको ही ये भागवत कथा रूपी रासों में ठाकुर जी आपको बुलाना चाह रहे थे, इसलिए आप यहाँ पर आ पाए। इसलिए आप लोग के लिए ताली बजाओ, क्योंकि ठाकुर जी आपको ही यहाँ पर बुलाना चाह रहे थे। श्रीमद भागवत कथा मृतम की जय हो। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी परिचित को कहते बोले परिचित, ये भागवत कथा की इतने दुर्लभता है, इतने दुर्लभता है। बोले कैसे? बोले स्वर्गीय सत्य कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरस श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ये भागवत कथा रूपी रस को कौन पान कर सकता है? बोले सभी नहीं पान कर सकते हैं। इसलिए कहते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवत लभ्यम। जब करोड़ों करोड़ों जन्मों का कोई पुण्य उदय हो तभी ये भागवत कथा को कोई सुन सकते हैं, सभी ये भागवत कथा को नहीं सुन सकते। वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए आज हमें जो सौभाग्य प्राप्त हो रही है, सुखदेव गोस्वामी कहते पर भी स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनकी भाग्य में भी ये कथा नहीं जुड़ती है। इसलिए जिस समय से सुखदेव गोस्वामी परिचित को यह भागवत कथा सुनाने जा रहे थे उसी समय में स्वर्ग से 33 पर्वत देवता जिन देवता पूजा करते हैं वो सबके सब स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के आए। बोले हे सुखदेव गोस्वामी आप परिचित को क्यों कथा सुनाने जा रहे हो? बोले इनको श्रृंगी ऋषि ने अभिशाप दिया है, सप्तम दिवस में इनको तक्षक दर्शन करेगा, इसलिए कथा सुनाने जा रहे हैं। बोले देखो हम स्वर्ग से अमृत कलश लाए, लो ये पूरा के पूरा ये अमृत कलश पूरा के पूरा ले जाओ और ये परिकीर्ति महाराज को पिला दो, ये परिकीर्ति महाराज अमर तो भी प्राप्त करेंगे, लेकिन ये जो श्रीमद भागवत कथा सुनाने चाह रहे हो ये कथा हमें सुना, ये कथा हमें सुना दो। लेकिन देखो ये कथा की कितने महिमा है। सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? बोले वो कथा को महिमा। बोले मूर्ख देवताओं तुम बड़े स्वार्थी हो, तुमको पता ही ये भागवत है क्या जी? पर ये भागवत नहीं। बोले कृष्णा स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलौ नष्टा दृशा में सह पुराण अर्क धुनादित। जिस समय भगवान कृष्ण ये मर्त्य जगत छोड़ करके अपना गोलोक वृंदावन जा रहे थे वहां पर श्री उद्धव जी थे। बोले प्रभु हमें छोड़ करके आप कहाँ जा रहे हो? अभी मैं किसको आश्रय लूं? कृष्ण कहते कोई चिंता मत करो, मैं एक स्वरूप में तो जा रहा हूँ लेकिन कलयुग में मैं दूसरे स्वरूप में भी रहूंगा। बोले किस रूप में? बोले ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, बोले तेन अयंग बांगमय मूर्ति प्रत्यक्षे वर्तते हरि। बोले कलयुग में स्वयं बांके बिहारी ये भागवत ग्रंथ रूप में जगत में विद्यमान है। जो व्यक्ति कलयुग में ये श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे, भागवत सुनना और बांके बिहारी से मिलना कोई अलग बात नहीं। जो कथा सुन रहे हैं अब साक्षात श्री बांके बिहारी से मिल रहे हैं, साक्षात भगवान कृष्ण से साक्षात मिल रहे हो,
इसलिए जिस समय भगवान जगत छोड़ करके गए उसी समय संसार में अंधकार छा गया। जैसे सूरज उदय होने पर सारे एकदम उजला उजला हो जाते हैं, उसी तरह ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ जब उदय हुआ, जीव का हृदय में जितने अज्ञान रूपी अंधकार ये सब के सब हट गई और हृदय में दीप आलोक की संचार हो गई ये भागवत ग्रंथ के द्वारा। इसलिए कहते ये भागवत नहीं, कहते भगवान की जो बार अंग हैं, बोले पादो जदियो प्रथम द्वितीय, बोले भागवत में 12 स्कंध है, प्रथम द्वितीय स्कंध ये बाह्य बिहारी की जो चरण है, तृतीय चतुर्थ स्कंध ठाकुर जी के दो जंगे हैं, पंचम स्कंध भगवान की नाभि कमल है, षष्ठ सप्तम स्कंध ठाकुर जी के दो भुजाएं हैं, अष्टम स्कंध ठाकुर जी की वक्ष स्थल, कंठ ये नवम स्कंध, ये दसम स्कंध ठाकुर जी के मुख कमल, एकादश स्कंध उनकी ललाट और द्वादश स्कंध भगवान की साड़ी। यदि ये भागवत नहीं, ये स्वयं भगवान कृष्ण हमारी कल्याण करने के लिए जगत में ये भागवत ग्रंथ रूप में प्रकट हुए। एक बार जयकार दो, बोले श्रीमद् भागवत कथा वृंदाव की जय। आप लोग कोई जयकार नहीं दे रहे, कोई जय कोई हे बोल रहे। एक बात तो सुनो, क्या भागवत भी जयकार हो? ये भागवत तो वाक्य भी है, इनका तो जय जय है ही है, लेकिन इनके जो जय देते हैं ना उनका ही जय होता है। आप भागवत की जितने जोर से जय दोगे उतना तुम्हारी पाप नष्ट होगा, उतना तुम्हारी भक्ति जगेगी। इसलिए और भी अगर बोलो, बोले श्रीमद् भागवत कथा वृंदाव की जय। हाँ भैया पता की जगह कथा हो रही है। इसलिए देखो कहते स्वर्ग में, ये चीज को समझो, स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनकी सौभाग्य में भी ये कथा नहीं हुई। मतलब क्या है, जो व्यक्ति ये कथा सुन रहे हैं कहते आप सबके सब देवता से भी ज्यादा सौभाग्य, देवता से भी ज्यादा सौभाग्यवान। आगे हम सुनेंगे जब चतुसन हरिद्वार में कथा करने के लिए गए, कौन कौन आए, बोले भृगु और वशिष्ठ पराशर जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग ब्रह्मा सत्य लोक से समस्त देवा देवी भी ये कथा सुनने के लिए आए हैं। इसलिए भागवत कथा स्वर्ग में देवता को भी भाग्य में ये कथा नहीं है, उनको भी सुनने को नहीं मिलती है। कहते स्वर्ग की बात छोड़ दो, बोले स्वर्गे ये सत्य च, कहते ये ब्रह्मांड का सबसे जो ऊंचाई लोक है वो सत्य लोक है, जिसमें पितामह ब्रह्मा जी रहते हैं। भैया वहां पर भी भागवत कथा नहीं। इसलिए देव गोस्वामी जी क्या कहते हैं, बोले कथा है तो भेदे भावना बिहारी, भागवत कथा कहीं हो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक छोड़ करके आते हैं, हम लोग कितने दूर से कथा सुनने के लिए आए, कोई 1 किलोमीटर दूर होगा,
कोई आधा किलोमीटर से होगा, कोई 10 किलोमीटर से होगा, और हमारे डॉक्टर साहब तो दिल्ली से आए हैं, यहाँ से कितना किलोमीटर होगा, ज्यादा से ज्यादा 50 किलो, 100 किलोमीटर हो। लेकिन जानते हो ब्रह्मा लोग कहाँ पर है? ब्रह्मांड का अंतिम छोर है, करोड़ों करोड़ों किलोमीटर ब्रह्मा लोग। लेकिन वहां से भी ब्रह्मा जी भाई भाई मतलब क्या है, दौड़ दौड़ करके, बोले दौड़ दौड़ करके कहाँ जाते हैं, जहाँ हमारा माल मिले ना वहाँ दौड़ दौड़ करके हम जाएंगे, भैया आज इतने रुपया हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन ये ब्रह्मा जी को पता है ये भागवत कथा में जो लाभ है ना, और किसी को द्वारा इतने लाभ नहीं। इसलिए ब्रह्मा क्या करते हैं, अपना ब्रह्म लोक को छोड़ करके आते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भैया ब्रह्म लोक की बात ही छोड़ दो, कहते कैलाशे नास्ते अमरस। अगर शंकर पार्वती को पता चले कहीं भागवत कथा हो रही है, शंकर पार्वती भी कैलाश छोड़ करके कथा सुनने आते हैं। इसलिए बोले एक बार त्रेतया युग माही शंभु गए कुंभ ऋषि पाई। गोस्वामी जी कहते हैं एक समय त्रेतया युग में शंकर जी अपना पत्नी सती को लेकर के कहां पर आए, अगस्त ऋषि के चरण में आए कथा सुनने की। कथा सुन करके जब जा रहे थे, बोले कथा सुनने का फल क्या, बोले ठाकुर का दर्शन। इतने में रावण ने माता सीता को उठा करके ले गया। उसी समय में भगवान राम हां सीते लता पता वृक्ष को पूछ रहे थे कहीं मेरे सीते को देखे हो। इतने में शंकर जी सती को लेकर दूर से परिक्रमा कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। इतने में सती की शंका हो गई, बोले प्रभु आप किसको प्रणाम कर रहे हो, आप जो परम ब्रह्म परात्पर तत्व जो भगवान राम की कथा बोलते हो, क्या ये कोई राम ना, ये कोई साधारण जीव है। इतने में शंकर जी समझाने के लिए कोशिश की, पार्वती बोली थोड़ी मैं अनपढ़ हूँ लिखी बढ़ी हूँ, ऐसे बोलने पर मैं सुन जाऊंगी। देखो शास्त्र में बताया आप दुनिया को समझा सकते हो, लेकिन पांच कौ को नहीं समझा सकते। देखना दुनिया में तुम्हारे सारे बात सुनते हो, पहला पाप पत्नी, बताओ आपका बात पत्नी सुनती ना, पत्नी की बात आप सुनते हो, पत्नी की बात आप सुनते हो ना, पति पत्नी की बात सुनती है। पहला नंबर पत्नी है, वो आपकी बात नहीं सुनेगी। मैं एक बहुत बड़ा पुलिस अफिसर उसकी पत्नी से बात कर रहा था, वो कह रहा था मैं इनको समझाते समझाते हार जाती हूँ, ये सुनते नहीं मेरी बात को, हर समय गलती करके बैठते हैं, इनको सब लूट पाट करके सब ले जाते हैं और ये बेकूफ बनते हैं। इसलिए पहला नंबर जो पत्नी है ना, सुनिया को सुनाओ, लेकिन पत्नी तुम्हारी बात नहीं है। दूसरी पाप पुत्री, तीसरी पाप पुत्र। आप देखना सारा दुनिया को बोलो कोई बात सुनेगा, लेकिन बेटा बेटी को बोलो वो बात नहीं सुनते हैं। तीसरा पाप परिवार, देखना सारा दुनिया में तुम्हारी इज्जत होगी, लेकिन परिवार में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। पंचमा जो पाप तुम्हारी पड़ोसी, सारा दुनिया से तुम्हारी मित्रता होगा, लेकिन पड़ोसी चल रहा होगी। इसलिए उन्होंने शंकर जी को बुझाए, शंकर जी बोले सती ये भगवान, बोले नहीं मैं परीक्षा करूंगी, बोले परीक्षा करके देख लो। इतने में सती ने सीता रूप धारण करते हुए गए, लेकिन वास्तव में पता चला भगवान सर्वत्र विद्यमान है। फिर तो सती को प्राण त्याग करना पड़ा बात है। इसलिए यहाँ कहते हैं अगर कहीं कथा हो तो आपकी बात छोड़ दो, स्वयं शंकर पार्वती भी कैलाश छोड़ करके कथा सुनने के लिए आते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कैलाश की बात छोड़ दो, वैकुंठ नास्ते अमरस। बल्कि वैकुंठ में भी ये भगवान कृष्ण की कथा, वैकुंठ में नारायण की कथा हो सकती है, लेकिन वैकुंठ में भी ये कृष्ण राधा रानी की कथा वैकुंठ में भी नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भले गाया वो गरुड़ जहाँ बसा गाया वो गरुड़ जहाँ बसा गाया वो
84 लाख जन्मों के बाद में एक बार जीवन मिला,
ठाकुर जी ये जीवन बारंबार नहीं देते, फिर क्या करेंगे? भगवान भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। अगर केवल माताएं आए ना, अगर इनको ऊपर में रंग चढ़े, अगर माताएं अगर भक्ति करना शुरू कर दे, क्यों बात करते हो? क्या क्या चक्कर है? बात क्यों कर रहे हो? हरे कृष्णा क्यों बीच में क्यों माताएं बात कर रहे हो? हरे कृष्णा आप लोग क्यों बात कर रहे हो? इधर देखो क्यों बात कर रहे हो? बीच में जिनको बात करना ना पीछे बैठ कर बात करो, ठीक है ना? आगे बैठ कर भी बात मत करो, इधर देखो मेरे तरफ में, चारों तरफ में अपनी नजर रहती है। कथा में नजर नहीं, दुनिया में नजर है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहते अगर माताएं केवल कथा सुनने के लिए आए, अगर इनकी ऊपर में अगर रंग चढ़ा तो माताएं क्या करेंगी? प्रभु का भजन करेगी, गले में कंठी तिलक धारण करेगी। अगर भाई लोग नहीं आए अरे ये परेशानी होगी। बोले कौन सा बाबा की चक्कर में तू पड़ गई? जब देखो माला लेकर बैठ जाती हो, जब बोलो वृंदावन चलो ठाकुर को दर्शन करने के लिए, अगर भाई लोग आए आपको पर रंग चढ़ेगी, आप भी भजन करना शुरू करोगे, पर माताएं परेशानी होगी। कोई काम धाम नहीं, जब देखो माला लेकर बैठते हो, पिता भागवत लेकर बैठ जाते हो, कोई काम धाम नहीं, संसार के लिए चलेगा। लेकिन अगर दोनों कथा सुनने आएंगे, दोनों को ऊपर रंग चढ़ेगा तो बोले चलो हम दोनों सत्संग में जाते हैं, दोनों मिल करके वृंदावन जाएंगे, बांके बिहारी को दर्शन करके आएंगे, दोनों जो लोग गिरिराज गोवर्धन चलेंगे। गाड़ी दो पहिया में चलती है ना, गाड़ी तो एक पहिया में चलती नहीं, पर देखना गाड़ी तुम्हारी बहुत बढ़िया चलेगी। इसलिए अकेले नहीं, जो माताएं आए ना कल तुम्हारी प्रभु लोगों को भाई लोगों को लेकर जा, और जो भाई लोग आए हैं कल माताओं को लेकर जाए, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। देखो ये एक कारण, दूसरा कारण क्या है? हम लोग कितने सौभाग्यवान की चीज को समझो। कहते स्वर्ग से जब देवताओं की इच्छा हुई कथा सुनने के लिए, उनने स्वर्ग लोक को त्याग दिया। जब ब्रह्मा जी को कथा सुनने के लिए इच्छा हुई, ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक को त्याग दिए। जब शंकर जी की कथा सुनने के लिए इच्छा हुई, शंकर जी कैलाश लोक को त्याग दिए। जब गरुड़ जी की कथा सुनने के लिए इच्छा हुई, उन्होंने वैकुंठ को त्याग दिए। लेकिन देखो जो हापुड़ के जो भक्त वृंद है कितने सौभाग्यवान। बताओ आप लोग कुछ छोड़े हो? कथा सुनने के लिए कोई चीज छोड़ना पड़ा? ये कथा रूपी गंगा स्वयं वृंदावन से बहते बहते आपकी घर को सामने आ गई, और घर को सामने बैठ बैठ करके कथा रूपी गंगा में आप लोगों ने स्नान कर दिया। ताली बजा आप लोगों के लिए, आप लोग को ताली बजाने जाता रहता। इसका मतलब है हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं। आज जो श्रीमद् भागवत कथा हम लोग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अभी प्रश्न होता है हम क्यों ये भागवत कथा सुने? कथा सुनने से हमें क्या मिलेगा? जैसे दो दो तीन तीन घंटा यहाँ बैठेंगे, है ना? लेकिन भागवत में राधा रानी कहती हैं, ये कथा से जितने तुम्हें फायदा मंदा मिलेगी, कथा से जितने लाभ तुम्हें मिलेगी ना, दुनिया में और कोई बिजनेस में इतने कभी फायदा मिल ही नहीं सकती। ये राधा रानी स्वयं कहती है। और मीरा क्या कहती है? बोले दीन दीन राम रतन पायो जी में, राम रतन पायो। इसलिए राधा रानी कहती है ये भक्ति कभी घटेगी नहीं। अगर ये कथा को सुनेगा तो उसको सात लाभ है। कितना लाभ है? जोर से बोलो। अब तो कथा नहीं सुन रहे हो, कितना लाभ है? आज मैं बताऊंगा क्या सात लाभ कथा सुनने की, और कल आपसे मैं सुनूंगा। जिसको याद होगा जो बोल देगा ना, मैं कल इसको इनाम दूंगा।
ठीक है, सबके सब एक मन से कथा सुन करके जाना, ठीक है। हाँ एक भजन सुन लो भैया, एक बढ़िया भजन सुना लो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, हर के आनंद की जय जय I'm
दुनिया दिल काहे न आवे दिल काहे न आवे जो श्रवण करेगा उसको सात लाभ है। ध्यान देंगे रचना को कहती है और जब रास करते करते जब रास कृष्ण अंतर ध्यान हो गई और गोपियां ढूंढते ढूंढते कृष्ण मिले ही नहीं। गोपियों ने सोचा चलो हम यमुना किनारे में बैठ के उनका कीर्तन करेंगे क्योंकि ठाकुर जी स्वयं कहते हैं मेरे निवास कहाँ पर है। कभी नारद जी ठाकुर जी से पूछे ठाकुर कहाँ रहते हो, देखो बाकी दिया क्या कहते हैं, बोले ना अहम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदये न च मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बोले नारद ये दुनिया कहते मैं वैकुंठ में रहता हूँ लेकिन मैं वैकुंठ में रहता हूँ, दुनिया कहते हैं योगियों का हृदय है, बोले वहां भी नहीं रहते। बोले कहाँ पर रहते हो, बोले जहाँ पर मेरे भक्त जन बैठ करके मेरे कीर्तन करते हैं वहीं रहता हूँ। इसलिए जमुना किनारे में बैठ करके गोपियों ने जब कीर्तन की, कीर्तन करते करते कह रही है, बोले क्या कह रही है, बोले तब कथा अमृत जगत में नारद जी का बड़ा बदनाम है, हम कहते हैं ना तो क्या नारद जी की झगड़ा लगा रहे हैं, लेकिन ऐसे बात नहीं। ये नारद जी के बगैर ठाकुर का कोई लीला ही नहीं है। ये नारद जी भगवान के सबसे प्यारे भक्त श्री नारद जी, नारद जी ये भागवत को प्रकाश करना चाह रहे थे। बोले कैसे प्रकाश होगा, इतने में जब नारद जी पहुंचे कैलाश में, ये नारद जी माता पार्वती के गुरु है, तो गुरु जी घर में आए,
गुरु जी को बैठा करके चरण धोए, पूजा की, खूब सेवा की। इतने में नारद जी बोले, पार्वती माता तुम ठीक ठाक हो ना? बोले बेटा मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोले कैसे प्रसन्न हो? बोले वह स्त्री सौभाग्यनी है जिसको पति ज्यादा प्रेम करता है। शंकर जी मेरे को बड़े प्रेम करते हैं। बोले कैसे करते हैं? बोले कहीं से अगर सत्संग सुन करके आए, सबसे पहले शंकर जी मुझे सुनाते हैं। आप देखना 18 पुराने हैं। ये पुराने क्या है? शंकर जी स्वयं वक्ता है, माता पार्वती श्रोता है। सारे जितने पुराण शंकर जी पार्वती को सुनाते, इसलिए शंकर जी मेरे को बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनाते, प्यारी प्यारी कथा सुनाते हैं, मेरे को बड़े प्रेम करते हैं। इतने में नारद जी बीच में टोक दिए, बोले देखो माता जी कहते हो तो प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम में कुछ खोट है, वो पूरा हृदय से प्रेम नहीं करते हैं। बोले क्यों, ऐसे क्यों कहते हो? बोले आपको पता है शंकर जी की और भी कोई प्रेमिका, और भी किसको प्रेम करते हैं? दूसरी शादी आपको पता है कि नहीं? देखो माताएं सब चीज को सहन कर लेगी घर में, जितने कष्ट से कटो, लेकिन अगर पता चले उसका पति और किसी स्त्री को प्रेम करता है, माताएं सहन कर सकती हैं? ये चीज को माताएं कभी सहन नहीं कर सकती, मेरे पति की और कोई पत्नी अंदर अंदर में और किसको प्रेम करते हैं। मैया बोली क्या बोल रहे हो? बोले मैं सच कहता हूँ, इसका प्रमाण दिखाओ। बोले आज एक काम कर लेना, तुम जाकर के मान भवन में लेट जाओ। जब शंकर जी आए, उनको 3 बार कसम दिला करके एक ही प्रश्न करना, उनकी गले में जो मुंडक की माला किसी की, सारे रहस्य तुम्हें पता चल जाए, सब रहस्य पता चल जाएगी। इतने में नारद जी तो वहां से भाग गए, इतने में शंकर जी आ रहे थे। शंकर जी बोले नारद जी थोड़ा रुक जा, बोले आज मेरे पास में समय नहीं, कोई जरूरी काम। शंकर समझ गए भैया कोई गड़बड़ी नहीं, तो सचमुच में घर में आ करके देखा पार्वती तो मान भवन में लेटी हुई। शंकर जी जब जाकर के ऊपर में हाथ रखना, पार्वती का हाथ उठेंगी, बोले क्या हो गया? बोले तो मैं पहले समझ रही थी आप भोले बाबा, लेकिन पता पता चला आप बड़े कपटी हो। बोले कपटी कैसे? बोले ये बताओ आपकी गले में जो मुंडक की माला किसकी, बताओ? आप कभी भी इसको त्याग नहीं देते हो, मैंने सुना आप अंदर अंदर में और भी इसको प्रेम करते हो, दूसरे भी स्त्री आपकी। इतने में शंकर जी बोले पार्वती तू सही बता रही हो, मेरी और भी कई पत्नी, लेकिन तेरे सिवाय और कोई नहीं। बल्कि गले में मुंडक की माला किसी, बोले तुम्हारी? बोले कैसे? मेरे सर का मेरे शरीर में आपकी गले में कैसे आ गया? बोले पार्वती तुम्हें पूर्व जन्म की बात बतानी, पूर्व जन्म में तुमने सती थी और उसी समय में मेरे वाक्यों को तुमने उल्लंघन करके प्रभु राम को सीता की रूप धारण करते हुए परीक्षा करने के लिए गई, इसलिए मैंने तुमको त्याग दी, इसलिए तुमने कनखल में जा करके दक्ष प्रजापति यज्ञ में तुमने शरीर त्याग दिया। बोले एक जन्म नहीं, कितने जन्म से तुम ये शरीर को त्याग देती हो, और तुम मेरी बड़ी प्यारी हो, जब जब तुम शरीर त्याग देती हो मैं अपना गले में माला रूप में उसको धारण कर लेता। पार्वती बोली प्रभु पहले तो मैं समझ रही थी आप कोई छोटी मोटी कपटी हो गए, पता चला बहुत बड़े कपटी निकले। बोले कैसे? बोले ये बताओ आप ऐसे कौन सा अमर गोटी को आपने पान करके रखे जो मर ही रहे? मैं मरती जा रही। देखो शंकर स्वयं कहते हैं, बोले पार्वती जब से मैंने ये भागवत कथा रूपी अमर गोटी को पान की, तब से मैंने ये अमरत्व को प्राप्त की। शंकर जी कहते प्रभु मेरे को भी सुनाओ, अरे दोनों अमर बन जाएंगे, मैं मर रही हूँ आप मर नहीं रहे हो। बोले देखो पार्वती चलो मैं तुम्हें अमरनाथ में ले चलता हूँ, वहीं पर बैठा कर कथा सुनना। आप लोग कोई अमरनाथ गए हो? कोई नहीं गए, एक भैया गए, अगर गए तो वहां देखे होंगे, वहां बटवृक्ष है, अभी भी वहां पर एक स्थान है जहां पर शंकर जी पार्वती को अमर कथा सुनाई।
शंकर जी बोले पार्वती मैं आंख बंद करके सुनाऊंगा, तो बीच बीच में हुंकार भरते रहना। बोले ठीक है प्रभु जी। शंकर जी जयकार दिए, बोले श्रीमद भागवत कथामृतम की जय हो। शंकर जी सुनाते जा रहे थे, मैया पार्वती हुंकार भरते जा रही थी, बड़ी प्यारी कथा उसको बाद में की क्या हुई। शंकर पार्वती सुनते सुनते जा रही थी, सुनते सुनते बीच में माता पार्वती सो गई। उसने वृक्ष को ऊपर में एक तोता भी बैठ करके कथा सुन रहा था। इतने में तोता ने देखा माता जी तो सो गई, फिर इनके हुंकार भरना बंद हो गया, शंकर जी कथा सुनाना बंद कर देंगे, ये कथा मेरी भी अधूरी रह जाएगी। वो तोता भी हुंकार भरने लग गया। आगे किया हुआ बड़ी प्यारी कथा है। शंकर तो भोले बाबा सुनाते सुनाते ही जा रहे हैं। जब कथा विश्राम हो गया, हे शंकर जी बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैया पार्वती जग गई, बोले उसको बाद में क्या हुआ। बोले कथा तो विश्राम हो गई, बोले मैं तो बीच में सो गई थी। बोले सो कैसे गई थी, अभी तो हुंकार भर रही थी। बोले नहीं, मैं बीच में सो गई थी। शंकर जी ने देखा ये अमर कथा है, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति सुन लेगा तो अमर बन जाएगा, फिर ये देश के लिए हानिकारक है। शंकर जी ने देखा कथा को सुनी तो सुनी किसने, ये ब्रह्म ज्ञान है। देखो नियम है कथा कैसे सुननी चाहिए, बोले छुप करके नहीं सुननी चाहिए, सामने बैठ करके ये ब्रह्म ज्ञान को ग्रहण करनी चाहिए। बोले किसने ये ब्रह्म ज्ञान को अपहरण किया। शंकर जी इधर उधर देखा, देखा उसी वृक्ष के ऊपर में एक तोता बैठ करके कथा सुन रहा था। बोले तुमने ये ब्रह्म ज्ञान को तुमने चोरी की। उठाया शंकर जी त्रिशूल, उसको पीछा की, और वो तोता उड़ते जाए, शंकर जी पीछा नहीं छोड़ रहे थे। ऐसे करते करते पहुंच गए बद्री आश्रम, बद्री का आश्रम। वहां पर भी व्यास देव अपना पत्नी बीटका को भी बड़ी सुंदर सुंदर ब्रह्म ज्ञान की बात बता रहे थे, और बीटका ऐसे मुंह फाड़ करके देख रही थी, सुन रही थी। इतने में तोता वहीं पर जा करके सूक्ष्म रूप धारण करते हुए अंदर में प्रवेश कर गया। शंकर जी ने देखा तोता यहाँ तक आया, गायब कहाँ हो गया। व्यास देव जी ने पूछा भोले बाबा कहाँ से हफ्ते हफ्ते आ रहे हो, सारा शरीर पसीना पसीना से तरबर हो रहा है। बोले बड़ा अमंगल हो गया है, बड़े अमंगल। बोले क्या हो गया। बोले एक तोता ने ये भागवत कथा रूपी अमर कथा को सुन लिया। बोले ये अमर कथा का मतलब क्या होता है, बोले जो सुनेगा वो मरेगा नहीं। व्यास देव जी ने कहा आप सचमुच से भोले ही हो। शंकर जी भोले बाबा है ना, बोले भोले ही हो आप, स्वयं कहते हो ये कथा अमर कथा है, जो सुनेगा वो मरेगा नहीं। आप बताओ ये तोता कथा सुनी भी नहीं। बोले सुनी। बोले जब सुन लिया तोता अमर हो गया, फिर आप मारने के लिए पीछा कैसे कर रहे हो। शंकर जी बोले अभी तक तो मेरे ध्यान ही नहीं था। इतने में शंकर जी सोच रहे हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभ्यम। यदि भागवत कथा कौन सुन सकता है, बोले सभी नहीं सुन सकते। बोले जिनको करोड़ों करोड़ों जन्मों का कोई पुण्य उदय होगा, बोले वही व्यक्ति ही कथा सुन सकते हैं, कथा में सभी नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए शंकर जी कहते हैं ना, अति हरि कृपा जा पर होई पाप देही की संगत सोई। बोले पार्वती जिसको ऊपर में ठाकुर की डायरेक्ट कृपा हो, वही व्यक्ति ही ये कथा रूपी गंगा में गोता लगा सकता, सभी नहीं गोता लगा सकते हैं। उनने ध्यान लगाया, ये तोता लगता है कोई साधारण नहीं। शंकर जी जब ध्यान किए, सब कुछ उन्होंने दर्शन किया, देखो ये तोता कौन है। बोले प्रिया सुखसी वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनीना एकांत कनन रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। उन्होंने देखा जैसे भगवान राम जब अयोध्या छोड़कर गए
संपूर्ण अयोध्या को लेकर ठाकुर गए, लेकिन केवल एक व्यक्ति को छोड़ कर गए। बता सकते हो एक व्यक्ति कौन था? भगवान राम सबको तो लेकर गए, लेकिन एक व्यक्ति को लिए नहीं। किसको लेकर लिए नहीं? हाँ, निकले ताली बजाओ भैया ने बोला। बोले उन्होंने हनुमान को छोड़ कर गए। बोले क्यों? बोले हनुमान अगर तू चले जाओगे पर जगत में राम भक्ति कौन प्रचार करेगा, इसलिए राम की भक्ति प्रचार करने के लिए उन्होंने हनुमत लाल को छोड़ कर गए। उसी तरह जब इसी जगत में भगवान कृष्ण जब ये जगत छोड़ कर गए, संपूर्ण गोलोक वृंदावन प्रभु लेकर गए, लेकिन ये तोते को छोड़ कर गए। बोले क्यों? ये तोता हो गए और बोले प्रिया सुख श्री वृषभानु जाया। बोले राधा रानी की ये अत्यंत प्रिय तोता है। जब राधा रानी ये तोते को हाथ में बैठा करती, आना की ताना खिलाया करती थी, बोलती थी बोलो तो कृष्ण कृष्ण। ये तोता भी बड़े मीठा मीठा शब्द से बोलता था कृष्ण कृष्ण। एक दिन राधा रानी कृष्ण विरह में एक चार लाइन का श्लोक उच्चारण की, और ये तोता इतने विचक्षण इतने चतुर तोता था, एक बार केवल राधा रानी के मुंह से श्लोक को सुन करके उसने रट लिया। एक दिन वो राधा रानी के हाथ से उड़ते उड़ते चला गया नंदगांव, और एक वृक्ष के ऊपर बैठ करके और बड़ी सुंदर सुंदर राधा रानी की भजन गा रहा था। बोले राधे का नाम अनमोल बोलो, राधे 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 का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे श्यामा का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे श्यामा का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे गोकुल में तो सुनकर के चौंक हो गए। बोले इतने सुंदर राधा रानी की गला की जैसे आवाज, कौन ये श्लोक पढ़ रहा है? देखा है कि तोता बैठ करके कृष्ण तोता को बुलाया, भैया इधर आओ। वो तोता उठते हुए कृष्ण को हाथ में बैठ गया। कृष्ण भी बोले बोले तो राधे राधे। वो तोता भी बड़ी मीठी मीठी बोली से बोले राधे राधे। बोले अभी तुम एक श्लोक बोल रहा था, बोलो तो। उन्होंने चार लाइन का एक संस्कृत श्लोक राधा रानी की गला की आवाज जैसे बोला। बोले बाप, तोता होकर के संस्कृत श्लोक बोलता है। उन्होंने ये सोने की पिंजरा बनवाए, उसको अंदर में तोता को धर लिया। अभी कृष्ण अभी राधा रानी वो तोते को विरह में एक सखी थी जिसका नाम थी माधुरी का। बोले माधुरी देखो तो मेरे तोता कहाँ चला गया। वो घूमते घूमते जब नंदगांव में आया, देखा कृष्ण हाथ में बैठा करके बड़े उसको प्यार कर रहे और बड़े सुंदर आना लगे दाना खिला रहे हैं। बोले कन्हैया ये हमारे ईश्वर जी के तोते हैं, उड़ते भी आ गया इनकी पालता तोता। बोले अगर तुम्हारी पालता तोता तो बुलाओ।
मेरे हाथ से उड़ते भी अगर तुम्हारे हाथ में चली गई, समझूंगा भैया तोता तुम्हारे, तुम तोते ले लेना। बोले कृष्णा तेरा नाम ही कृष्ण है, कृष्ण मतलब क्या है, विश्व ब्रह्मांड को अपना प्रेम से भक्ति से जो आकर्षण करते हैं वो कृष्ण है। बोले दुनिया में ऐसे कौन सा व्यक्ति हो जो एक बार तुम्हारे हाथ में बैठ जाए, तुम उसको प्यार दो, खाना की दाना खिलाओ, तेरा नाम ही कृष्ण, तेरे को कोई भूल सकता है, तेरे को छोड़ कर नहीं जा सकता है। बोले भैया फिर तोता मेरा तुम जाओ। वो गई मैया यशोदा के पास में, बोले मैया हमारी राधा रानी की तोता आ गया, कन्या नहीं दे रहा है। बोले कोई चिंता मत करो, जब कृष्ण गैया चराने जाएगा पीछे से मैं भेज दूंगी। कृष्ण जब गए इतने में उन्होंने तोते को भेज दिए, इसलिए ये तोता कोई साधारण तोता नहीं, राधा जी के निकुंज महल में रहने वाले तोते, जिसको राधा रानी कभी कभी कृष्ण रूप मान करके चुंबन करती है। इसलिए हम आगे सुनेंगे जहां पर 88,000 ऋषि लोग थे, लेकिन कथा सुने तो किससे कथा सुने, वहां पर 100 साल के, 200 साल की, 500 साल की बड़े बड़े ऋषि लोग वहां पर बैठे हुए थे, लेकिन सबसे छोटे व्यक्ति नंगे धड़ंगे सुखदेव गोस्वामी से सुने। बोले क्यों, चूंकि राधा जी की अधरा में तो उसकी खोट में लगा हुआ, राधा सब तो काम उल्टा दो क्या होगा, बोलो जोर से, धारा है ये राधा रानी नहीं, ये कृष्ण प्रेम रस की जो धारा है श्रीमती राधा रानी, बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए भगवान जिस समय कृष्ण शंकर जी जब ये चीज को समझ गए, बोले भैया कथा सुनाना मेरा सार्थक हो गया, सार्थक हो गया कथा सुनाना, क्यों, यही सुख ही श्री सुखदेव गोस्वामी रूप में जन्म लेंगे और दुनिया में कृष्ण भक्ति को प्रचार करेंगे। शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए, चार बार परिक्रमा लगाई और उनको प्रणाम करते हुए शंकर जी वहां से चले गए। इसलिए यही सुखदेव गोस्वामी रूप में जन्म लेते हैं। बोले श्री सुखदेव महाराज की। हाँ देखो एक चीज को समझो, ये कथा की कितने महत्व, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शंकर स्वयं कहते हैं, जब से मैंने ये भागवत कथा सुनी है, शंकर जी को कहते ना सत्यम शिवम सुंदरम, देव देव महादेव, योगी योगी महायोगी शंकर जी, शंकर स्वयं कहते हैं ये कथा को सुनकर नहीं अमरत्व को प्राप्त की, माँ देवी को नहीं, जगदम्बा जग जननी, जब तक उन्होंने ये भागवत कथा नहीं सुनी तब तक ये शरीर को छोड़ते रहे, लेकिन जब से माता पार्वती कथा सुनी तब से ये अमरत्व को प्राप्त की है। ये चीज आप लोग समझो, अगर हम भी ये कथा सुनेंगे ना, हम भी जगत में अमरत्व को प्राप्त कर दो। देखो जगत में जितने बड़े बड़े संत देखो, ध्रुव, प्रह्लाद, तुलसीदास, मीराबाई, हनुमत लाल, जगत में अमर है कि नहीं, ये लग सबके सब अमर है कि नहीं जगत में। इसलिए अगर जगत में कोई अमरत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, जगत में अगर कोई जगत में सबसे कोई बड़ा बनना चाहते हो, जगत में सबसे बड़ा ऐसे नहीं, अभी का जो लड़का लड़की का भावना किया, हम तो बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनेंगे, सबकी बड़ी तमन्ना है हम बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बने। भैया सुशांत भी तो हीरो था लेकिन गया कहां, आज से 10-20 साल में जो हीरो हीरोइन थे अभी कोई नाम है जगत में, लेकिन हनुमान जी को देखो कब आए, हनुमान जी त्रेता युग में करोड़ों साल पहले आए, ध्रुव प्रह्लाद करोड़ों साल पहले आए। देखो भागवत में इनकी अमर कथा गाई जाती है, कहते अगर कोई जगत में बड़ा बनना चाहते हो ना, हीरो हीरोइन हो करके बड़ा नहीं, भगवान की भक्त बन करके बड़ा बन जाओ, देखना जब तक दुनिया रहेगा तब तक तुम्हारी जस जगत में लहराते रहेगी। बोल श्रीमद भागवत कथा मृतम की। जोर से बोलो, बोल श्रीमद भागवत कथा मृतम की। इसलिए कथा सुनने का जो पहला लाभ है, हम भी अमरत्व को प्राप्त करेंगे। कथा सुनने का दूसरा लाभ देखो कितने लाभ है, बोले तप्त जीवन, संसार में सब दुखी है, बोले कोई तन दुखी,
कोई मन दुखी कोई धन बिना थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम का दास। हम संसार में सबके सब दुखी, कोई तन से कोई मन से कोई धन से कोई बच्चों से कोई पैसा से कोई पत्नी से कोई पति से कोई घर की बहू से दुखी कोई सास से दुखी कोई ननद से दुखी कोई सबके सब संसार में दुखी दुखी है कि नहीं संसार में। लेकिन यहाँ पर कहते हैं ये दुख कब खत्म होएगा, ये सुखदेव गोस्वामी राधा रानी कहती है भगवान की कथा से। इसका प्रमाण देखो, अभी अभी इसका प्रमाण देखो। हम संसार में सब दुखी है लेकिन देखना जब तक तो दो ढाई घंटा तीन घंटा तक बैठोगे ना, अब बताओ संसार का कोई बात तुम याद है भी? संसार का कोई दुख अभी क्या याद है? नहीं है। लेकिन केवल ये गेट को पार करके जाओ, गेट से पार होते ही सारे संसार का दुख पहाड़ जैसे सर पर बैठेगा। केवल ये गेट पार होते, क्यों? घर में जाकर जाने पर ये समस्या, घर में गौ को साथ में बैठती नहीं, घर में सास को साथ में बैठती नहीं, घर में ससुर को साथ में बैठती नहीं, धन से दुखी तन से दुखी दुखी दुखी। लेकिन जब तक ये कथा में बैठे रहोगे, कहते जो कथा सुनते हैं कथा में नहीं बैठे हो, साक्षात श्री राधा कृष्ण की गोद में हम लोग बैठे हो, हम लोग भी ताली नहीं हो जाते। कहाँ पर बैठे हो? राधा रानी कृष्ण की गोद में यहाँ पर बैठे हो। इसलिए राधा रानी कहती है बोले तप्त जीवनम, बोले तीसरा लाभ क्या है? बोले कलमसा अपह, भागवत कथा सुनने से जितने हमारी जन्म जन्मांतर का पाप है ना, ये सारे पाप हमारी खत्म हो जाएगी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कहते बोले परीक्षित तुमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल कथा में बैठो। जब तक तुमको ये अनुभूति नहीं हो जाएगी मैंने ये जन्म मृत्यु का चक्कर से निकल करके ठाकुर जी की चरण को मैंने प्राप्त कर ली, तब तक मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। सचमुच से उन्होंने कथा में बैठ करके कथा सुनते 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 सारे पाप नष्ट हो गया। उनको गोलोक वृंदावन से विमान आया और विमान में बैठ करके जब उन्होंने भूर भूगम मोह जन तप सत्य लोगों को पार किए, पितामह ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य में पड़ गई। बोले परीक्षित महाराज कुछ तो नहीं किया, तो बोले बैठी गई कथा ही तो सुने। लेकिन देखो ये कथा की कितने महिमा है, और ये कथा सुनते सुनते सीधा भगवान का धाम में। तब उन्होंने एक तराजू लिया, एक तराजू का एक तरफ में जगत का कितने पुण्य है, स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, हॉस्पिटल खोलना, अन्न छत्र खोलना, जितने जगत में जितने बड़े बड़े पुण्य को तराजू का एक तरफ में धर दिए, और तराजू के दूसरे तरफ में केवल ये भागवत कथा की महिमा को धरे। जिधर ये भागवत कथा की महिमा को धरे वो पत्थर के पत्थर जैसे जमा रहा, दूसरे तरफ में जितने पुण्य था सब हल्का होकर ऊपर उठ गया। ब्रह्मा को पता चला ये भागवत कथा को सामने जगत का कोई भी पुण्य को हम कभी तुलना नहीं कर सकते, कभी भी तुलना नहीं कर सकते। क्यों? ये भागवत आत्म धर्म की बात बताता है। लेकिन जगत में जितने धर्म, ये शरीर संबंधी धर्म, जैसे शरीर नष्ट होगा ये धर्म भी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये आत्मा नित्य शाश्वत है, ये अजर अमर है। जिसमें आत्मा की कल्याण हो इसमें भागवत कथा में। इसलिए कहते कथा सुनने से सारे हमारी पाप दूर हो जाएगी। बल इसका जो पंचमा लाभ है बल श्रवण मंगल, कथा जो सुनेगा कभी जीवन में अमंगल नहीं होगा। इसलिए कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि। आपके एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, ये वाल्मीकि ने जब उन्होंने रामायण लिख रहे थे, देखो यहाँ पर जितने कथा सुन रहे हैं ना, मैंने जितने कथा सुनाता हूँ याद रहे, ठीक है? अगर थोड़ी कोई लिखे पड़े हो ना, अपना घर से कॉपी और पेन लेकर जाना भैया लोग, आप लोग भी कॉपी पेन लेकर जाना, सारी कथा भी याद रखो। मैं तो चला जाऊंगा पर इसको बाद में भी तो प्रचार करना पड़ेगा ना, इसलिए ये चीज को कॉपी पेन लेकर के लिखो
और जगत में धर्म को जगत में हमारे सनातन धर्म को भागवत धर्म को जगत में प्रचार करना। ठीक है, देखो ये वाल्मीकि, जब वाल्मीकि रामायण लिख रहे थे, लिखने से पहले जो ये कथा को सुनेगा इसका क्या लाभ है, ये वाल्मीकि स्वयं कहते हैं। बल एक समय हमारी पृथ्वी में एक राजा थे, वो जो राजा और जो रानी सुमति और सत्यवती, ये राजा रानी होते हुए भी ये 24 घंटा भगवान की सेवा करते थे, ठाकुर के लिए माला बनाते थे, दोनों बैठ करके पति रामायण पढ़ता था, पत्नी बैठ करके सुनती थी। जब उनको ज्यादा समय मिलता था दोनों राजा रानी माला लेकर के बोले रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता राम जय रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता 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 जय रघुपति राघव राजा राम पति पावन दोनों पति पत्नी बैठ करके भगवान सीता राम करते थे। एक दिन एक ऋषि थे जिनका नाम था विभांड ऋषि, राजा की भक्ति देख करके इतने आश्चर्य में पड़ गए, बोले भैया ये अष्टजाम 24 घंटा देश का राजा रानी होकर के हमारे पास में उतना ज्यादा पैसा हो जाएगा ना, देखना भक्ति भक्ति नहीं करेंगे, अगर कोई मंदिर करेंगे ना उसमें कोई पूजा रख लेंगे पैसा देंगे, फिर ठाकुर जी का भजन भजन नहीं करेंगे, खुद मस्ती लेंगे घूमेंगे पिएंगे ऐसे करेंगे लेकिन ठाकुर का भजन नहीं करेंगे। लेकिन आप भागवत कथा सुनकर देखिएगा, ये भागवत में जिन जीवियों का नाम आता है ना वो राजा नहीं थे महाराज थे, वैदिक महाराज कौन थे उस समय में, भारत का राजा नहीं चक्रवर्ती, संपूर्ण विश्व को करके राजत्व करते थे प्रह्लाद महाराज, राजा नहीं अम्बरीशी महाराज, युधिष्ठिर महाराज, ध्रुव महाराज, भरत महाराज, ये सबके सब राजा नहीं महाराज थे, लेकिन देखो ये सबके सब भजन करते भक्ति करते थे। क्यों, कारण क्या, बोले ये आनंद है ना भैया, ये दुनिया में किसी चीज में आनंद नहीं, आनंद तो भगवान की भक्ति नहीं, भगवान के भजन में ही आनंद है, इसलिए इन लोगों ने राजा महाराज की कथा भागवत में आती है। ये महाराज होते हुए भी ये 24 घंटा प्रभु की भक्ति में लगे हुए, जो विभांड ऋषि इनको देख कर आश्चर्य में पड़ गए। भले आप एक बात बता सकते हो, आप ये देश का राजा होकर के आप ये 24 घंटा प्रभु की भक्ति में क्यों लगे हुए हो, ये बड़े बड़े संतों का जीवन में भी दिखाई नहीं पड़ता है। जब इतनी सी बात बताए ना, देखो पूर्व कथा बताते हैं, बोले बाबा आप तो संत हो, संतों के सामने कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, अभी तक ये बात मैंने किसी को नहीं बताया, मैं जाति स्वर हूं, जाति स्वर मतलब है जिनकी पूर्व जन्म की बात याद रहे, बोले मैं 4 जन्म की बात फिर याद, 4 जन्म की, बोले हाँ, बोले सुना क्या बात है, मैं क्यों 3 रात प्रभु का भजन करता हूँ, मैं 4 जन्म से पहले मेरा नाम था मालती और मेरी जो पत्नी इसका नाम थी काली, मैं बड़ा दुष्ट था, इतने बदमाशी था, मारना पीटना शराब पीना जुआ खेलना ऐसे कोई गंदा काम मैंने नहीं किया, परिवार वाले दुखी होकर घर से ऊपर निकाल दिए मेरे को, मेरी जो पत्नी है इसने तो अपना पति की गला ही काट दिया, इसकी परिवार वाले भी घर से निकाल दिया। एक दिन हम घूमते घूमते दोनों मिले, अकेले थे, जीवन बीत नहीं रहा था, हम श्री वाल्मीकि आश्रम के पास में रहते थे,
जानवर को मार करके मांस खा करके जीविका निर्वाह करते थे। लेकिन दोनों जब हम वृद्ध हो गए, हमसे और जानवर मारा नहीं जा सकता, बड़ी कठिनाई से जीवन बिता रहे थे। एक दिन देखा वाल्मीकि आश्रम में, जैसे आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, कुछ लोगों को हमने एकत्रित होते हुए देखा। हमने देखा आज इतने लोग तुम्हें एकत्रित हो गए, वहां पर गए देखा, वो नवरात्रि में प्रभु राम की कथा 9 दिन तक होगी। जो कथा सुनने आएगा, कथा को बाद में फलाहार की व्यवस्था, हम तुरंत खुश होंगे, चलो हम कथा में बैठेंगे, कम से कम प्रसाद तो मिल जाएगा। इसी लोग से हम कथा में बैठते थे और कथा को बाद में प्रसाद मिलता था। हमने ऐसे 9 दिन तक अपना जीवन बिताए। जब दोनों की मृत्यु हुई, अभी जमदूत लेकर नर्क में गए और वहां पर जब महाराज चित्रगुप्त को बोले, चित्रगुप्त मतलब क्या है, चित्र मतलब होता है फटो, गुप्त मतलब छुपा करके, देखो ऊपर भी कैमरा लगा हुआ है, ये चित्रगुप्त का कैमरा लगा हुआ है। हम जो कुछ करते हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली सब के सब उस कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है। मरने के बाद सारे सब कुछ खुलेगा, हमने क्या क्या कर्म किया। देखो कथा सुनने के कितने लाभ है, जब महाराज बोले इसका कापी खोलो, कितने पाप और कितने पुण्य किया है। बोले महाराज ये दोनों दुष्ट है, कोई पुण्य कर्म नहीं। बोले देखो थोड़ी बहुत कुछ होगा। बोले एक पुण्य है, ये नवरात्रि में वाल्मीकि आश्रम में प्रभु राम की कथा हो रही थी, ये दोनों कथा सुने नियम से और कथा के बाद में फलाहार किया, केवल इतना ही पुण्य नहीं। इसको सुन करके जब महाराज इतने खुश हो गए, बोले 9 दिन तक नियम करके कथा सुने और उसको बाद में फलाहार किया, इनके जितने पाप को काट दो, सारे पाप के इनको काट दो, ये दोनों को रमा वैकुंठ में भेज दिया जाए। वहां पर 100 साल के लिए गए, वहां की जितने राज ऐश्वर्य हमने भोग किया, उसको बाद में खरे ब्रह्मलोक में 100 साल तक गए, वहां की सारे राज ऐश्वर्य भोग किया, उसको बाद में स्वर्गलोक में जा करके सारे ऐश्वर्य को भोग किया, उसको बाद में मरते जगत में अभी हमारे ख्याल बात को देख रहे हो, संपूर्ण पृथ्वी को पर विराजित हो कर रहे हैं। अगर हमने अनजान में प्रभु राम की 9 दिन तक कथा सुन करके और फलाहार करके अगर इतने पुण्य हमें मिल सकती हैं, इसलिए हम दोनों राजा रानी इधर उधर समय नहीं बिताते हैं, हमको पता है प्रभु की भक्ति में कितने शक्ति है, इसलिए हम दोनों 24 घंटा ठाकुर का सेवा पूजा, ठाकुर की कथा, ठाकुर जी की माला, इसको ले करके जीवन बिताते हैं। इसको बाद में फिर संसार में हमारी जन्म नहीं होगा, हम दोनों भगवान जी बोलो को वैकुंठ धाम दोनों प्राप्त करेंगे। ये वाल्मीकि रामायण लिखने से पहले की बात को बता रहे हैं, इसलिए आप लोग जो कथा सुन रहे ना, आप सोच नहीं सकते इसकी कितने महिमा। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, सल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महातभया, अगर मेरे लिए कोई थोड़ी सी करता है मैं उसके लिए इतना करता हूँ। सुदामा कृष्ण को 2 बटे चिड़वा दिए ठाकुर, उसने त्रिभुवन का राज्य ठाकुर जी दे, इतने महिमा ठाकुर जी की भक्ति में। इसलिए राधा रानी कहती है कथा सुनने का लाभ क्या है, बोले श्रवण मंगलम, कथा सुनने से मंगल मंगल ही होगा। बोले उसका जो छठवा लाभ क्या, बोले दा, दा मतलब होता है जो भगवान की कथा सुनेगा उसको संसार की बंधन नष्ट हो जाएगा। बोले श्री, श्री मतलब घर में ऐश्वर्य, धन, दौलत, जस,